Very good morning, my dear students, and you are welcome in the online tutorial of Par Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Par Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, my dear students, today's topic is properties. बेटा properties हमें दो करनी है, properties of magnetic field lines and properties of a magnet. ठीक है, दोनों की हमें properties अलग अलग पढ़नी होंगी. Properties of magnetic field lines की क्या है और properties of magnet क्या है. तो पहले बेटा थोड़ी properties है magnet की, तो पहले हम magnet की properties को read करते हैं. देखिए, हम सबको पता है कि अब magnet क्या है. ये एक magnet होता है, ठीक है, इसके पास एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा. डाइपोल होता है, हमेशा दो पोल बनेंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल. दिस इज अ मैग्नेट. ठीक है बेटा, इस मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना. फॉर एग्जांपल लेते हैं, देखिए बेटा, ये मेरे पास एक चौक है. ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक मैग्नेट है. इस मैग्नेट को मैंने एक थ्रेड से टाई किया और इसको ऐसे सस्पेंड कर दिया, मतलब इसको धागे से बांध के लटका दिया, और मैं इसको फिर छोड़ देता हूँ. ये फ्रीली मूव कर सकता है, जहाँ पर भी मूव करेगा ये. तो हम देखेंगे क्या, हम ये देखेंगे कि मान लेते हैं कि दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, दैट इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. तो ये जो नॉर्थ पोल है, ये अपने आप जब जैसे ही तुम इसको धागे के साथ लटकाओगे, तो ये अपने आप को मूव करके कहाँ पर रेस्ट में लेकर आएगा. ये तब रेस्ट में लेकर आएगा अपने मैग्नेट को कि जब इसका नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट. ठीक है, मान लो मैं ये अर्थ का नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो अब ये रेस्ट में आ जाएगा. लेकिन अगर मैं इसको ऐसे घुमा कर छोड़ देता हूँ, तो ये ऐसे टर्न करेगा, टर्न करेगा, टर्न करेगा, फिर कहाँ पे आकर रुकेगा, नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ. मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमेशा अर्थ के नॉर्थ पोल के साथ मैच करता है. ठीक है, तुम उसे कहीं पर भी घुमा कर छोड़ दो, तो वो अपने आप को घुमा के कहाँ पर ले आता है, नॉर्थ पोल. और जो साउथ पोल है मैग्नेट का, वो क्या इंडिकेट करता है, साउथ पोल ऑफ द अर्थ. तो मतलब कहने का कि विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट वी कैन फाइंड द डायरेक्शन. ज्योग्राफिकली जो डायरेक्शन है हमारे पास, जैसे नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, साउथ पोल ऑफ द अर्थ, तो वो हम मैग्नेट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम करते भी हैं. उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल. एक ही बात है, मैग्नेटिक कंपास बोल दो, मैग्नेटिक नीडल बोल दो. हमने कुछ इस टाइप का ये डिवाइस देखा होगा, लैब में भी है और नहीं भी, तो ये स्टेशनरी शॉप्स पे भी मिल जाएगा तुम्हें. तो बेटा ये इस टाइप के कंपास होती है, जो नेविगेशन हम यूज करते हैं उसमें भी ये बनी रहती है. ध्यान से अगर तुमने कभी देखा हो, तो ये एक साइन बना रहता है ऊपर रेड कलर का, तुम्हें ऑफ नेविगेशन में अगर तुमने देखा है. ठीक है, ये जो रेड कलर का होता है ये नॉर्थ पोल होता है, और जो ये व्हाइट कलर का होता है ये साउथ पोल होता है. ठीक है, ये एक्चुअल में ना नीडल की शेप है, सिर्फ शेप नीडल की है, लेकिन होती है मैग्नेट. जैसे हमने इसको शेप बार की ली थी, कोई भी शेप ले सकते हैं, बट ये मैग्नेट है, तो ऐसे ही इस शेप को हम मैग्नेटाइज कर देते हैं, मैग्नेट बना देते हैं. तो हमें प्रॉपर्टी पता लग गई मैग्नेट की, अगर जब मैं मैग्नेट को सस्पेंड करूंगा, फ्री सस्पेंड करूंगा, देन इट विल कम्स टू द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ. तो कहां पर आ जाएगी, नॉर्थ पोल अर्थ की साइड आ जाएगी. तो ये यहाँ पर इसका जो नॉर्थ है हमेशा ये अर्थ का नॉर्थ ही इंडिकेट करेगा, और इसका जो साउथ पोल है हमेशा अर्थ का साउथ पोल इंडिकेट करेगा, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है बेटा, तो इन द केस अगर तुम किसी रूम में बैठे हुए हो, तो तुम्हें उस रूम का नॉर्थ और साउथ नहीं पता, बट तुम्हारे पॉकेट में या तुम्हारे पास ये मैग्नेटिक नीडल है, या एक तुम्हारे पास मैग्नेट है जिसके ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो तुम्हें उस रूम के नॉर्थ और साउथ पोल कैसे ढूंढने को मिलेंगे. तो हम क्या करेंगे कि उस मैग्नेट को सस्पेंड कर लेंगे थ्रेड के साथ, और फिर हम उसको फ्री मूव होने देंगे. जहाँ पर भी मैग्नेट का हमारे नॉर्थ पोल रेस्ट में आएगा, तो हम कह देंगे दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, दैट इज द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ अर्थ. ठीक है, तो हमेशा ये नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा और ये हमेशा साउथ डायरेक्शन में रहेगी, ध्यान रखना बेटा इस चीज़ का. ठीक है,
ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल का मतलब मैग्नेटिक है और मैग्नेटिक का जो नॉर्थ पोल है वो हमारे अर्थ के नॉर्थ में ही रहेगा या अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ उसका फेस रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट ये है बेटा, इसकी एक फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये जो लिख रखी है हमने, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इंडिकेट्स द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, इट अलाइन इटसेल्फ, इट का मतलब है नॉर्थ पोल, इट अलाइन इटसेल्फ टुवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का वो अपने आप को अलाइन कर देगा नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ की तरफ। ठीक है, आगे लिखना जो तो लिख सकते हो, व्हेन इट सस्पेंडेड फ्रीली, व्हेन इट सस्पेंडेड, व्हेन इट सस्पेंडेड फ्रीली। ठीक है, क्लियर है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट कैन नॉट सेपरेट। यस, अगर बेटा मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, तोड़ दूंगा मैग्नेट को, तोड़ने से क्या होगा कि अब मैंने मान लो इस मैग्नेट को तोड़ दिया, इसके टुकड़े कर दिए, अभी तो मैं दो ही टुकड़े कर रहा हूँ, जितने मर्जी इसके पीस करते चले जाओ, जितने तुम पीस करोगे बेटा उतने ही मैग्नेट बनने शुरू हो जाएंगे। अब तुमने खुद इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा बचपन में या कभी, कैसे ऑब्जर्व किया होगा तुमने बेटा, कि अगर मान लो हर कोई स्टूडेंट, हर उनमें से हर कोई मैग्नेट के साथ जरूर खेला होगा या सबने मैग्नेट को देखा होगा, ठीक है, उसके फोर्सेज ऑफ एक्सपीरियंस को फील किया होगा कि वो आयरन प्रोटेक्ट करती है मैग्नेट। इन द केस अगर वो मैग्नेट उनसे टूट जाता है, गिर जाता है, गिरकर उसके कुछ पीसीज हो जाते हैं, तो पीसीज होने पर क्या होगा, उसके जो पीसीज हैं क्या वो पीसीज अब मैग्नेट, जो मैग्नेट के पीस हैं क्या अब वो आयरन को अट्रैक्ट करना बंद कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर उसके दो टुकड़े हो गए तो दोनों टुकड़े अभी भी आयरन को अट्रैक्ट करेंगे, अगर उसके तीन टुकड़े हुए, थ्री पीस हुए, तो तीनों के तीनों पीस आयरन को अट्रैक्ट करेंगे। कहने का मतलब है टूटने के बाद भी जो आयरन मैग्नेट है वो हमारी मैग्नेट ही रहती है, डीमैग्नेटाइज नहीं हो जाती। तो उसका रीजन क्या है, उसका ये रीजन है, वेट बेटा एक सेकंड, यस नाउ सॉरी प्रोड्यूसर, यस, अगर हम अपने मैग्नेट के पीसीज करते हैं तो हमने देखा कि मैग्नेट के पीसीज करने के बाद भी वो मैग्नेट ही रहती है, और हमें पता है कि अगर वो मैग्नेट है तो मैग्नेट को हमेशा डाइपोल होता है, डाइपोल का मतलब हर मैग्नेट के पास दो पोल होंगे, मतलब जितने पीसीज हुए हैं उन पीसीज के पास भी दो दो पोल होंगे तभी वो मैग्नेट है। अगर उनके पास दो दो पोल नहीं है, मतलब नॉर्थ साउथ का पेयर नहीं है, तो वो मैग्नेट नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं बेटा एक बार, देखते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे एक मैग्नेट को तोड़ देता हूँ, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ठीक है, और साउथ पोल को इससे दूर ले जाते हैं इसको कट करके, तोड़ कर इसको, ठीक है, अब मैंने मैग्नेट के दो पीसीज कर दिए। अगर बेटा ये मैग्नेट के दो पीसीज हो गए हैं, अब मैं इनके पास आयरन लेकर आता हूँ, मैंने इसको आयरन टच किया तो इस पीस ने, इस मैग्नेट के पीस ने आयरन को अट्रैक्ट किया, फिर मैं आयरन को इसके पास लेकर आया तो इस पीस ने भी आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर लिया, तो दैट मींस ये भी अभी भी मैग्नेट है, ये अभी भी मैग्नेट है, ये डीमैग्नेटाइज नहीं हुई है। तो अगर ये अभी भी मैग्नेट है तो बहुत क्लियर सा पॉइंट है कि इसके पास अभी भी दो पोल है, तो इस नॉर्थ ने अपने आप यहाँ पे साउथ पोल बनाया होगा और इस साउथ ने अपने आप यहाँ पर नॉर्थ पोल बनाया होगा। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये नॉर्थ पोल ने अपने आप साउथ पोल डेवलप किया और इस साउथ पोल ने अपने आप यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप किया, तो यहाँ पे जो साउथ तो नॉर्थ से लाइन निकलेगी वो साउथ में एंटर कर देगी, इसमें जो नॉर्थ से निकलेगी वो साउथ में एंटर कर देगी। एरो लगाना नहीं भूलेंगे, डोंट फॉरगेट टू पुट एरो ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो द एरो विल कम आउट फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंटर इनटू द साउथ। ओके, चलिए, मतलब क्या रहेगा कि जितने भी पीसेस होते जाएंगे हमारे मैग्नेट्स के, वो पीसेस क्या होंगे, उतने ही मैग्नेट्स बनते जाएंगे। कैसे बन जाएंगे उतने ही मैग्नेट, अगर मैं इसको दोबारा से ब्रेक कर दूंगा बेटा तो क्या होगा, अब ये वाला नॉर्थ फिर से यहाँ पर साउथ पोल बना देगा और ये वाला साउथ फिर से यहाँ पे नॉर्थ पोल बना देगा, ये फिर दो मैग्नेट्स बन जाएंगे। समझ आ रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, इस मैग्नेट से स्टार्ट किया, ये मैग्नेट को ब्रेक किया, एक ये मैग्नेट बना, एक ये बना, फिर इसको ये बन गया, इससे ये बन गया, तो ये चलता रहेगा प्रोसेस, जितने भी पीसेस करते रहो कभी भी नॉर्थ और साउथ पोल सेपरेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, अपने आप को डेवलप कर लेगा दूसरे पोल को। तो ये बेटा एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। देखिए, दो प्रॉपर्टीज हमने करी है कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमेशा अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ रहेगा, दूसरी प्रॉपर्टी है कि नॉर्थ और साउथ पोल कभी भी सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है, जितने मर्जी इसको टू और मोर पीसेज में तुम अगर कट कर रहे हो। तो अब बेटा आ जाते हैं कुछ मैग्नेटिक लाइन्स की प्रॉपर्टीज पे। मैग्नेटिक लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हमें इतना पता चल जाएगा कि लाइक पोल्स जो हैं
हाँ बेटा ये भी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है, तो इसको भी तुम मैग्नेट की प्रॉपर्टी में डाल दो। इसमें मैंने लिखा नहीं हुआ, याद आ गया लेकिन अभी, तो थर्ड पॉइंट बना के लिख दीजिएगा इस प्रॉपर्टी को। लाइक बोथ ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर और अनलाइक बोथ ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो जैसे कि तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चार्जेस के केसेस में पढ़ा हुआ है ना कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सेम इसमें भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ अनलाइक पोल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी मैग्नेट की प्रॉपर्टी में ये भी डाल दीजिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आज की क्लास में तुम्हें पता चल जाएगा, तो थोड़ा स्पीडली करते हैं फटाफट से। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फटाफट हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट, ध्यान रखेंगे आउटसाइड वर्ड देखेंगे यहाँ पर, आउटसाइड द मैग्नेट वो कहाँ पर होती है, दे कम आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इन द साउथ पोल। आउटसाइड द मैग्नेट वो ऐसे चलेगी, इनसाइड द मैग्नेट कैसे रहेगा, इनसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये दो प्रॉपर्टीज हमको ऑलरेडी पता है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इन दो लाइन्स के बीच में, मतलब मैग्नेटिक लाइन्स के बीच में अगर गैप ज्यादा होगा, तो मतलब जो गैप होगा, गैप बिटवीन मैग्नेटिक लाइन्स डिसाइड्स इट्स स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ बताएगा तुम्हें कि मान लो मैंने यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक लाइन्स बनाई, ये मैंने मैग्नेटिक लाइन्स बना दी, ये एरो लगा दिया, एरो का मतलब समझना, मैंने एरो इस डायरेक्शन में लगाया, तो दैट मींस ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। ठीक है, क्यों, हमारी मैग्नेटिक लाइन्स नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ ट्रेवल करती है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर आपको कैसे पता लगा ये आउटसाइड का मैग्नेट है या इनसाइड का मैग्नेट है। बेटा जब यहाँ पर मैग्नेट ही नहीं बनाया मैंने, तो क्लियर है कि आउटसाइड का मैग्नेट ही है, अगर वहां पर कुछ मेंशन नहीं है तो इनसाइड द मैग्नेट वाला केस नहीं लोगे, हमेशा कौन सा केस लिया जाएगा, आउटसाइड द मैग्नेट वाला ही केस लिया जाएगा जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। इज इट क्लियर, अगर मेंशन किया हुआ है कि तुम डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक लाइंस की इनसाइड द मैग्नेट, अगर मेंशन है तो तुम बताओगे साउथ टू नॉर्थ, अदरवाइज यू हैव टू से कि ऑलवेज इट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कैसे मूव करेगी, नॉर्थ से साउथ। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टीज हमने कर ली है। जो लाइन से लाइन का जो गैप है, गैप क्या बताएगा, गैप बताएगा कि जो तुम्हारी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है या कम है। एक ये मैंने डायग्राम बनाया, एक और मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो गया नॉर्थ और यहाँ पर क्या हो गया साउथ, ये मैंने कुछ लाइन बना दी बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये लाइन क्या है, ये जो लाइन बनाई है नॉर्थ टू साउथ, ये क्वेश्चन भी आता है पेपर के, देखो इन लाइन के बीच में गैप ज्यादा है, इन लाइन के बीच में गैप कम है, तो इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे लाइन क्राउडेड है, पास पास है, जितनी लाइन पास पास होंगी उतनी मैग्नेट हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, कहने का मतलब उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के अंदर गैप ज्यादा हो जाएगा एक दूसरे से, वो दूर दूर हो जाएगी, तो उतना ही क्या होगा कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी। मतलब कहने का ये हमारा एक डायग्राम है जो हमें कुछ समझाने की कोशिश करता है, तो अगर ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम आ जाए तो तुम बिना कुछ पढ़े बिना कुछ सुने सिर्फ बता सकते हो कि हाँ डायग्राम इज अ लैंग्वेज, ये भी एक लैंग्वेज होती है बेटा, तो यह डायग्राम देख के तुम बता सकते हो कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और इसकी स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, हाँ तुम्हें एक पॉइंट और बता देता हूँ, पैरेलल लाइंस लगाने का मतलब क्या होता है। पैरेलल लाइंस का मतलब है बेटा कि अगर तुम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालते हो, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकालते हो, या कहीं पर भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकालते हो, पॉइंट रैंडमली कहीं पर भी ले लो, सेम आएगा आंसर, हमेशा सेम आएगा, चेंज नहीं होगा। इसमें भी अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ या कोई पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले सकते हो, और उस पॉइंट पर तुम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करो, कैलकुलेट करो, तो वो जो कैलकुलेशन है वो सबकी सभी पॉइंट्स पर सेम आएगी, चेंज नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं दैट जब सारे सेम हो जाती है, कोई चेंज नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं आता कैलकुलेशन में, तो सेम वर्ड के लिए बेटा हम क्या यूज करते हैं, तो तुम बता सकते हो, सेम वर्ड के लिए हम यूज करते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब कैसा होता है, एक जैसा, तो ये होता है बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं जो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस इंडिकेट्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लिख दो इस पॉइंट को, इसी में लिख दो, चाहे ये लो पॉइंट नंबर 3 बना के लिख देते हैं, नहीं पॉइंट नंबर 3 क्यों बनाना, पॉइंट नंबर 4 में डाल देंगे, इसको पॉइंट चेंज कर देंगे, ये पॉइंट नंबर 5 या इसको 6 कर देते हैं, पॉइंट नंबर 6। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4 में
ये तुम देखो ये वाला डायग्राम बनाओ थर्ड क्वेश्चन थर्ड पॉइंट के साथ, थर्ड पॉइंट के साथ ये दोनों डायग्राम बना दो। दिस इज द ए ए डायग्राम, दिस इज द बी डायग्राम। तो ये देखो ये ए ले लेते हैं, लेस देयर मोर और हां ये हो जाएगा बेटा, नहीं फिर इसको ए ले लो, ये ए ले लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, मोर गैप के लिए बी, ठीक है। इस पॉइंट के साथ ये वाला डायग्राम बना लो और इस पॉइंट के साथ ये वाला डायग्राम बना लो। अगर गैप लेस होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, गैप कम होगा ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। ये तुम समझ गए इन दोनों लाइंस को, मुझे भी समझ चुके हो, इट्स ओके। अब बात करते हैं कि फोर्थ पॉइंट हमने क्या लिखना था, अभी माइंड में आया था फोर्थ पॉइंट लिखने के लिए, फिर भूल गए। फोर्थ पॉइंट क्या बताया था मैंने, चलिए फोर्थ पॉइंट जब याद आएगा फिर लिख लेंगे, वेट मुझे याद करने को। हाँ, पैरेलल लाइंस फोर्थ पॉइंट में लिखिएगा, पैरेलल लाइन इंडिकेट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, पैरेलल लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लिखना, पैरेलल लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में लिखिए बेटा, जो मैंने तुम्हें समझाया भी था लास्ट वीडियो के अंदर, कि जो हमारी मैग्नेट फील्ड लाइन होती है वो कॉन्टिन्यूस कर्व होती है, रुकती नहीं है, नॉर्थ से चलेगी तो नॉर्थ तक वापस आएगी। तो फिफ्थ पॉइंट में लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व्स, ये बना पॉइंट फिफ्थ। अब देखिए बेटा लास्ट पॉइंट सिक्स्थ, दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यस नाउ, दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को कभी भी बेटा इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, नेवर क्रॉस टू ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा इस क्वेश्चन का, तुम्हें ये ना जो पॉइंट है ये पॉइंट एक क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन आ जाता है वाई के साथ कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, तो उसका रीजन हम लिखेंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, और इसी क्वेश्चन में इसी पॉइंट में इसी प्रॉपर्टी में हमारा आंसर है कि साउथ पोल या ये बोल दीजिए कि लाइक पोल्स रिपेल क्यों करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट क्यों करते हैं। जिसको ये चीज समझ आ जाएगी उसको वो वाला रीजन भी समझ आ जाएगा कि लाइक पोल अट्रैक्ट लाइक पोल रिपेल क्यों करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट क्यों करते हैं, ये भी समझ आ जाएगा। तो मैं सारा बाकी रफ कर देता हूँ, ये लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हमने थ्री प्रॉपर्टीज दी है मैग्नेट की, फिर हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज है वो ये है, थर्ड फोर्थ पॉइंट बताया मैंने तुम्हें, फिफ्थ भी बताया कॉन्टिन्यूस कर्व्स है, और सिक्स्थ पॉइंट ये है, इसका रीजन भी हम लिखेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। तो देखिए चलिए मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, देखो बेटा इसका रीजन क्या रहेगा, रीजन हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट में प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट मेक्स के फर्स्ट पॉइंट की और फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, उसमें इसका रीजन है कि अगर मैं यहाँ पर दो लाइन बनाता हूँ, ये मैंने दो लाइन बनाई, ये नॉर्थ से चली साउथ की तरफ गई, ये नॉर्थ से चली साउथ की तरफ गई, ठीक है। अब दैट इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिख रहा है सबको लाइन का क्लियरली, ये है मेरी मैग्नेटिक लाइन्स, ठीक है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मैंने तुम्हें अभी एक प्रॉपर्टी समझाई थी कि अगर मैं अपने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दूंगा तो फ्रीली सस्पेंड करने का क्या मतलब होगा, फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब होगा कि उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं किसी मैग्नेट के पास लेकर आऊंगा, ध्यान रखना इस चीज का, तो अगर मैं इसको किसी मैग्नेट के पास लेकर आऊंगा तो ये उस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ मोड़ लेगा अपने नॉर्थ पोल को, मतलब नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल ही इंडिकेट करना होता है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा, अगर मैं इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर एक मैग्नेटिक कंपास रखता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर मैं मैग्नेटिक कंपास रख देता हूँ, अब मैं मैग्नेटिक कंपास क्या होगा, ये वाला नॉर्थ पोल जो है मुझे पता है
कि मेरा नॉर्थ पोल क्या इंडिकेट करेगा, नॉर्थ पोल किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, हमेशा साउथ की तरफ जाने की कोशिश करेगा। क्यों साउथ की तरफ जाने की कोशिश करेगा? थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि लाइक पोल क्या करेंगे, लाइक पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास रखा, मैग्नेटिक कंपास इटसेल्फ अ मैग्नेट, ये जो मैग्नेटिक कंपास है खुद ही एक मैग्नेट है, तो इसका जो नॉर्थ पोल है ये इधर साउथ पोल की तरफ आने की कोशिश करेगा, जिसका भी साउथ पोल होगा, जिस भी मैग्नेट का साउथ पोल होगा। तो यहाँ पर मैंने बेटा कंपास तो रख दी, लेकिन अब उस कंपास का नॉर्थ पोल कंफ्यूज हो गया, इस साउथ की तरफ जाऊँ अट्रैक्ट होऊँ या इस साउथ की तरफ अट्रैक्ट होऊँ, तो उसमें कन्फ्यूजन आ जाएगी, वो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, वो कहाँ जा पाएगा, ये देखो इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, दो डायरेक्शन आ गए सेम टाइम पर, सेम टाइम, टाइम भी सेम है, मतलब जैसी तुमने यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रखी उस सेम टाइम पर वो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इनमें से कौन से साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस साउथ की तरफ या इस साउथ की तरफ, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। और ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में चला जाए, जैसे तुम मान लो तुम एक ऑब्जेक्ट हो, मैं तुम्हें कहीं जाने को कहता हूँ, वो सेम टाइम पर तुम दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, सेम टाइम पर तुम किसी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, तुम्हारी बॉडी के दो टुकड़े हो गए हैं, दो पार्ट हो गए, एक पार्ट किसी और डायरेक्शन में, एक पार्ट किसी और डायरेक्शन में। तो मतलब कहने का एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली वो दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो यही एक रीजन है हमारा कि अगर मैग्नेटिक कंपास मैं यहाँ पर रखता हूँ तो वो मैग्नेटिक कंपास इस साउथ की तरफ इंडिकेट करती है या इस साउथ की तरफ इंडिकेट करती है। तो साउथ की तरफ इंडिकेट करना तो कंफर्म है कि साउथ की तरफ इंडिकेट करेगी। क्यों कंफर्म है? क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि वो अनलाइक पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा, ठीक है। बट ये भी पॉसिबल नहीं है कि सेम टाइम पर वो दो दो डायरेक्शन दिखाए, ये वाले साउथ की डायरेक्शन दिखाई है, ये वाले साउथ की डायरेक्शन दिखाई, या अगर बीच में आगे खड़ी हो जाए, नहीं होगा ऐसा। तो पर्टिकुलरली वो दो डायरेक्शन नहीं दिखा सकती, सेम टाइम पर वो पर्टिकुलरली दो डायरेक्शन नहीं दिखाएगी, मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगी, क्या होने लगेगा, मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आने लग जाएंगे, वो क्या होने लगेगी, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे डिफ्लेक्शन देने लगेगी, पर पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बताएगी तुम्हें। क्यों नहीं बताएगी पर्टिकुलर डायरेक्शन? क्योंकि वो कंफ्यूज है, इसकी तरफ जाएगी या इसकी तरफ जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि दो मैग्नेटिक लाइन्स का इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है दो मैग्नेटिक लाइन्स का इंटरसेक्शन? दो मैग्नेटिक लाइन्स का इंटरसेक्शन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेम टाइम पर दो डायरेक्शन में मूव करना पॉसिबल नहीं है, सेम टाइम पर दो डायरेक्शन में मूव करना पॉसिबल नहीं है। तो ये बेटा रीजन है हमारा कि हम सेम टाइम पर दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक कंपास है वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो इस साउथ की तरफ जाए या इस साउथ की तरफ जाए। मतलब मान लो कि अगर ये S1 है और ये S2 है, ये N1 है और ये N2 है, तो यहाँ पर जो तुमने मैग्नेटिक कंपास ली वो तो एक ही है, तो वो एक है तो वो S1 की तरफ जाएगी या S2 की तरफ जाएगी, ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये एक दूसरे को बल्कि धक्का मारती है, दूर भागती है एक दूसरे से, रिपेल कर देती है एक दूसरे को, ठीक है, बट कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होने देती, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट नहीं होने देती, यही रीजन है कि आज हम गर्मियों में क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं गर्मियों में, फैन का यूज करते हैं, कूलर का यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि हम एक मोटर जो बनाते हैं, एक मोटर जो चलती है, वो मोटर इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है कि दो मैग्नेटिक फील्ड्स, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर तुम कोशिश करोगे इंटरसेक्ट करवाने की, तो वो एक दूसरे पे फोर्सेस लगाएंगे, धक्का मारेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ठीक है। और हम इसी चीज को यूज करते हैं कि हम अपनी मोटर में क्या करते हैं, दो दो मैग्नेट्स लगा देते हैं। दो मैग्नेट्स का मतलब है दो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, एक मैग्नेट में से एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, दूसरे मैग्नेट में से दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, फिर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट इंटरसेक्ट तो पॉसिबल नहीं है। फिर वो क्या करती है, लाइन्स एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, फोर्स लगाने के चक्कर में क्या होता है कि वो मैग्नेट घूमने लगता है, अगर वो घूमने लगता है तो हम कहते हैं मोटर हमारी चल गई, ठीक है। तो यही एक प्रॉपर्टी है मोटर के पीछे कि दो मैग्नेटिक लाइन्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बल्कि एक दूसरे से दूर जाएंगी, उन पे फोर्सेस लगाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ यही रीजन है कि दो सेम पोल अट्रैक्ट, सेम पोल रिपेल और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट क्यों करते हैं, लेट्स सी, इसको बनाकर देखते हैं डायग्राम।
देखिए बेटा ये डायग्राम बना कर देखते हैं कि अगर मैंने क्या किया है यहाँ पर, ध्यान से देखते हैं, ये वैसे तो यहाँ पर भी मैं इसको दिखा सकता, ये प्रॉपर्टी है कि नॉर्थ है ये साउथ है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्थ से लाइन निकलेगी साउथ की तरफ जाएगी, ठीक है, कभी भी लाइन ज्यादा ट्रेवल नहीं करेगी, हमेशा शॉर्टकट ढूंढती है लाइन, हमेशा ऐसा चाहेगी कि मेरा पाथ छोटा हो जाए बड़ा ना हो। तो बेटा ये क्या होगा, नॉर्थ से निकलकर साउथ में लाइन में जाना है, जब नॉर्थ से निकलकर साउथ में ऐसे घूमकर आएगी लाइन, ये बहुत लंबा पाथ है, ये वाला फॉलो नहीं करेगी, उस नॉर्थ से निकली लाइन को यहाँ पर साउथ नजर आ जाएगा, या नॉर्थ से निकलेगी सीधा साउथ में एंटर कर जाएगी, ध्यान रखना वो घूम कर अगर पीछे नहीं जाएगी, वो अपने साथ अगर उसको साउथ मिलेगा तो वो साथ वाले साउथ में एंटर करेगी करेगी। तो ये अनलाइक पोल्स है, देखो ये वाला पोल साउथ था और ये वाला पोल कैसा था, नॉर्थ था। अब इन दोनों मैग्नेट के बीच में क्या होगा, तो आंसर है ये नॉर्थ पोल से चली लाइन साउथ में एकदम से एंटर कर गई, फिर इनसाइड द मैग्नेट कैसे चलती है, साउथ से नॉर्थ आएगी फिर बाहर निकल जाएगी, बाहर निकलकर फिर ऐसे घूम कर इस साउथ में आएगी, इस साउथ से इस नॉर्थ में आएगी, ठीक है, नॉर्थ से फिर निकलेगी साउथ में। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपस में कंबाइन कर जाएगा, ये जैसे ही कंबाइन करेगा तो ये एक ही मैग्नेट बन जाएगा ऐसे, ठीक है, रह जाएगा ये वाला नॉर्थ और ये वाला साउथ, ये साउथ और नॉर्थ एक दूसरे से जुड़कर खत्म हो जाएंगे और ये बनेगा फिर ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब इस मैग्नेट और इस मैग्नेट में अट्रैक्शन हुई, ये जुड़ गए, अट्रैक्शन क्यों हुई, क्योंकि इस नॉर्थ ने अपनी लाइन को सीधा साउथ में एंटर करवा दिया, दूर घुमाकर इस साउथ में नहीं, ठीक है, तो मतलब इस नॉर्थ ने साउथ को अपनी तरफ खींच लिया, जैसे ही खींचेंगे तो नॉर्थ और साउथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, फिर इसके बाद ये कंप्लीट एक मैग्नेट के जैसा क्रिएट करने लगेंगे, दो मैग्नेट जुड़ जाएंगे तो एक ही मैग्नेट बना देंगे ना, दोनों जुड़कर एक ही मैग्नेट बन जाएंगे, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। हाँ, इन द केस अगर इसको मैं उल्टा करके रख देता हूँ, उल्टा करके इन द सेंस ऐसे देखते हैं आप, ये मैंने मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, फिर ये मैग्नेट लिया, ये भी नॉर्थ पोल ये भी साउथ पोल, सॉरी, देखिए अब दोनों पोल्स में से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी, एंटर तो कर ही नहीं पाएंगी, इसको निकल कर यहाँ जाना पड़ेगा और इसको निकल कर यहाँ आना पड़ेगा, क्यों, ये एक नॉर्थ से निकल कर नॉर्थ में थोड़ी ना एंटर करेंगी, अब अगर वो यहाँ से भी निकलेंगी यहाँ से भी निकलेंगी, दोनों तरफ से लाइन निकलेंगी, जब इसकी सेकेंड लाइन निकलने लगेगी, देखो इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ये इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, अभी अभी मैंने तुम्हें समझाया कि इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, जब भी इंटरसेक्शन होगा तो क्या होगा, वहां पे बल्कि फोर्सेस लगेंगे, वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे लाइन, तो ये एक दूसरे को फोर्सेस लगा के धक्का मार के दूर करेंगे, तो ये वाली मैग्नेट ऐसे पीछे की तरफ जाएगा, ये वाला मैग्नेट इधर पीछे की तरफ जाएगा, इनमें क्या हो जाएगा बेटा, रिपल्शन, समझ आया कि दो लाइक पोल रिपेल क्यों करते हैं और दो अनलाइक पोल अट्रैक्ट क्यों करते हैं, तो ये रीजन है उनका रिपेल करने का या उनके अट्रैक्ट करने का, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला मैग्नेट इधर जाएगा और ये वाला मैग्नेट इधर आएगा, अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर रिपल्शन होगा, रीजन क्या है कि दो मैग्नेटिक लाइन्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करेगी, ये इसका रीजन है, ठीक है बेटा। चलिए इसके रीजन का आंसर लिख लेते हैं करीब, कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे लिखेंगे, तो राइट डाउन two magnetic lines, two magnetic field lines which will be accepted. Magnetic line या magnetic field lines never intersect to each other because at the point of the intersection, magnetic needle cannot indicate one particular direction on a same time. At the point of the intersection, magnetic needle cannot indicate in a particular direction at the same time. Or we can say, any object cannot move in a two directions on a same time. Any object cannot move in two directions at the same time. That's why intersection of two magnetic lines is not possible. That's why practically hum sab bata rahe hain baat practically. That's why intersection of two magnetic lines is not possible.
ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज का यही लेक्चर था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेकर। अच्छे से पढ़ना इस लेक्चर को, ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।